दोस्तों नमस्कार, मैं हर्षवर्धन जैन एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज के सब्जेक्ट का नाम है जो इस देश में कई वर्षों से जल रहा है, नशा। नशा भाई, नशा। ओ हो हो, अगर नशा नेगेटिव हो तो किसी देश को कितना बर्बाद कर सकता है, इसका डेमो आज आपको देने वाला हूं। दोस्तों, किसी भी देश की 30% आबादी जब नशा करने लग जाती है, उस देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं, उस देश का मानसिक संतुलन ही नहीं, उस देश का सामाजिक संतुलन ही नहीं, उस देश का हर चीज, उस देश की हर एक अस्तित्व डगमगाने लग जाता है। आज भारत उस दौर से गुजर रहा है। अभी तो मुझे खबर लगी है, आने वाले समय में एक एक बच्चे तक खबर पहुंच जाएगी और चीजें इतनी अनकंट्रोलिंग हो जाएगी कि देश के हालात खराब हो जाएंगे। चलिए, इस सब्जेक्ट के ऊपर आज एक ऐसी यात्रा करते हैं जिस यात्रा में आप और हम अपना क्या योगदान कर सकते हैं, अपने हिस्से का क्या कर्तव्य निभा सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो नशा मतलब क्या? एक ऐसा उत्प्रेरक जो उत्प्रेरणा से और ज्यादा अभिक्रियित होता है और बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग बचपन में केमिस्ट्री के लैब में कुछ भी ज्यादा प्रैक्टिकल करते थे तो H2SO4 में सबसे ज्यादा उत्प्रेरक आता था। उसकी अभिक्रिया इतनी तेज और इतनी तीव्र होती थी, हमें बहुत बाद में समझ में आया ये एक ऐसा रसायन है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कई गुना मल्टीप्लाई कर देता है, उसे बहुत तीव्र कर देता है। इस देश में जब नशा लगभग 1 लाख लोग करते होंगे, उस वक्त कुछ लोगों ने कहा कि समाज की चीज़ों को हम पर्दे पर डिस्प्ले करेंगे, हम जो समाज में घट रहा है वो पर्दे पर दिखाएंगे। फिर दुनिया के हर एक बड़े व्यक्ति को, दुनिया के हर उस व्यक्ति को जिसने बड़प्पन लिया है, जिसने कुछ अचीव किया है, जिसने कुछ बड़ा पद हासिल किया है, उस व्यक्ति वस्तु स्थान घटना को नशे के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। वो मीडिया के थ्रू, वो पब्लिसिटी के थ्रू, वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, वो फिल्मों के थ्रू, और वो कैसा रहा कि आपने देखा होगा, हर पीढ़ी के लिए कुछ गाने आए, हर पीढ़ी के लिए कुछ स्लोगन्स आए, हर पीढ़ी के लिए कुछ सेंटेंसेज आए, हर पीढ़ी के लिए कुछ नारे आए, हर पीढ़ी के भीतर कुछ ऐसा इंस्टॉल किया गया जो उसे उस चीज के लिए प्रेरणा देता चला गया। तो पहली बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, इस नशे को प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जब मैं 90s में अपने होश संभाल रहा था तो कुछ गाने चलते थे, याद करो, रिकॉल करो, उन गानों ने उस टाइम के लाखों करोड़ों लोगों को नशों में झोंक दिया। और जब उनसे पूछा कि ये गाने नशे में झोंक रहे हैं, उन्होंने कहा हम तो वही दिखा रहे हैं जो समाज में हो रहा है, लेकिन उन गानों को याद करो, नशा नशा नशे में हम धुआं धुआं ये जिंदगी। अरे रे, मतलब जिस नशे को जिंदगी में इंस्टॉल करने के लिए फिल्मों का और लम्हों का और हालातों का सहारा लिया, लाखों करोड़ों लोगों के भीतर वो नशा और गहरे से इंस्टॉल हो गया। आपने देखा होगा सन 2002 में कांटे मूवी में एक ऐसा गाना आया था जिसने लोगों की कॉलर ऊपर कर दी थी, कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के, याद करो, सिगरेट के धुआं के छल्ले बना के, सोचना है क्या होना है जो होगा, चल पड़े हैं फिक्र यारो धुआं में उड़ा के। फिर बोलते हैं, जाने क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा मोला रे। और अंत कैसा था, जाने क्या होगा रामा रे का अंत कैसा था? अरे रे, सोचा भी नहीं था तकदीर यहां लाएगी, मंजिल पे आते ही जान चली जाएगी। लेकिन दुनिया और यूथ क्या पकड़ती है, लोग क्या सुनते हैं, वो सुनते हैं जो लोगों को आइडियल के थ्रू बताया जा रहा है, जो मार्गदर्शकों के थ्रू बताया जा रहा है। जब एक आदमी जो फिल्म स्टार है, जब एक आदमी जो इन्फ्लुएंसर है, एक व्यक्ति जो किसी ऊंचे पद पे है, वो आकर जब कहता है ना कॉलर को थोड़ा ऊपर चढ़ा के, तो करोड़ों लोग कॉलर ऊपर चढ़ाते हैं, करोड़ों लोग धुआं के छल्ले बनाना चालू करते हैं, करोड़ों लोग नशे की लत से अपने आप को ग्रसित बनाते चले जाते हैं। क्यों? ये देश का DNA हमेशा किसी ऊंचे व्यक्ति को देख के प्रभावित हुआ है, किसी बड़े को देख के प्रभावित हुआ है। हर वो व्यक्ति जिसने कोई ना कोई गाना, कोई ना कोई चीज ऐसी बनाई जिसके लिए वो प्रेरित करता चला गया। देश में 42 करोड़ लोग हैं जो नशे की तरफ मुड़ते चले गए। भाई, ये प्रेरणा मिलती है उन लोगों से जो बड़े हैं। कोई सिगरेट से, कोई शराब से,
कोई ड्रग्स से, ऐसे कितने ही भारत में राज्य बन गए जो राज्य अब कैंसर की चपेट में आ चुके हैं। पंजाब तो अपनी सीमाओं को क्रॉस कर चुका है, राजस्थान हरियाणा में उसकी आंच दिखने लगी है और देश के अलग अलग हिस्सों में करोड़ों युवा, करोड़ों लोग, अरे जिस देश की जवानी नशे में डूब जाएगी वो देश कैसा होगा, थोड़ा विचार करने योग्य बात है। तो मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि जब दुनिया में वो लोग जो लोगों के लिए प्रेरणा हैं, अगर वो ही नशे को प्रमोट करेंगे तो हम जैसे कितने ही लाखों लोग आ जाओ और कह लो भाई, लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। तब आएगा जब आपका एक भी व्यक्ति जो आपसे इन्फ्लुएंस होता है वो व्यक्ति आकर कहे आपको नशे को छोड़ना होगा, उसके विरुद्ध आपको एक वार डिक्लेयर करना होगा, तब जाके अपने अपने हिस्से का काम करना होगा। एक बात। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैंने लोगों से सर्वे किया, भैया ये नशा क्यों करते हो, भैया इस नशे में क्या होता है, इससे आपके भीतर क्या घटता है, इससे आपको क्या मजा आता है, जब मैंने लोगों से पूछा डिफरेंट डिफरेंट जगह अलग अलग स्टेट्स में, मैंने कम से कम 200 लोगों से पूछा होगा नशे का कारण क्या है। कभी ट्रेनों में पूछा, कभी ऐसी जगहों पे पहुंचा जहां पे मिडिल क्लास है, कभी ऐसे मार्केट में चला गया जहां पे साधारण आदमी बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई क्या। जब उनसे पूछा, उनके जवाब को सुनो भाई, उनके जवाब में एक चीज कॉमन है, उन सबको मजा आता है, उन सबको आनंद आता है, उन सबको एक किक मिलता है, उन सबको एक प्लेजर मिलता है, उन सबके भीतर डोपामिन रिलीज होता है। और उनकी बातों का लक्षण क्या था, सर मेरी क्या उतरती नहीं है इसलिए सुबह लेना पड़ता है, ये कारण है। लोगों को पूछा तो लोगों ने कहा कि सर क्या है कि सोसाइटी में स्टेटस बनता है, इसके वजह से हमें लेना पड़ता है, सोसाइटी के स्टेटस को मेंटेन रखना पड़ता है। कोई आदत से बोला, किसी ने स्टेटस के लिए बोला, किसी ने कहा जिंदगी की स्ट्रेस ऐसी है कि अब मैं बुलाना चाहता हूं, धोखा लोगों ने इतना दिया है कि अब मैं वापस याद नहीं करना चाहता, मुझे गम को बुलाना है। इन सारे लोगों की बातों का मर्म दो सिक्के के दो पहलुओं की तरह आके खड़ा हो गया। थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है, अंदर प्लेजर रिलीज होता है, डोपामिन रिलीज होता है, थोड़ी सुख की अनुभूति होती है, एक। और दूसरा, उन हालातों को जिनको वो देखना नहीं चाहते, जिन्हें वो याद नहीं करना चाहते, उनको वो भूलना चाहते हैं, इसलिए बेहोशी चाहते हैं। भाई इस बात से मुझे प्रेरणा मिली और मुझे ये समझ में आया कि मैं रियल कोस तक पहुंचूं। जब मैं रियल कोस तक पहुंचने की जब मैंने कोशिश की तो ये जो सारी बातें बाहर बाहर से आ रही थी ना, मेरा कारण है स्ट्रेस को भुलाना, मेरा कारण है स्टेटस को मेंटेन करना, मेरा कारण है संगत को भुलाना, मेरा कारण है कुछ ऐसा करना, मेरा कारण कुछ नहीं, डीपेस्ट रूट कोस तक जब मैं गया तो मुझे समझ में आया हर मनुष्य हर जीव के भीतर एक गुण है श्रद्धा, और ये श्रद्धा किसी न किसी चीज पे लुटती है। ये व्यक्ति पे लुट सकती है, ये स्थान पे लुट सकती है, ये किसी पीने खाने पे लुट सकती है, ये लुटेगी जरूर, क्योंकि श्रद्धा का गुण है लुटना, श्रद्धा का गुण है बहना, हर व्यक्ति के भीतर एक श्रद्धा का गुण है भाई। चार मुख्य गुण है जिनमें से एक गुण की चर्चा आपके लिए सब्जेक्टिव है, एक ज्ञान है, एक श्रद्धा है, एक चरित्र है, एक प्रवृत्ति है। तीन का सब्जेक्ट यहां नहीं है, अभी एक सब्जेक्ट चल रहा है कि हर एक मनुष्य के भीतर श्रद्धा नाम का एक गुण है जो बहती है हमेशा। अब वो बहने के लिए जिस वक्त जो सोर्स मिल गया वहीं बहती चली गई। श्रद्धा का निर्माण कैसे होता है, एक मजबूत श्रद्धा कन्वर्ट कैसे होती है, चार स्टेजेस से गुजरती है। पहला, सबसे पहले चीजें ज्ञान में आती है, ज्ञान में। बाहर से कोई कहता है अरे इसको लेके देख तुझे मजा आएगा, तेरे को किक मिलेगा, तू इसे पी के देख, तू इसे खींच के देख, ये सबसे पहले ज्ञान में आती है। फिर ज्ञान में आने के बाद जब उसे वो छूता है या ग्रहण करता है तो फिर ध्यान में आती है। जो ज्ञान में आया वो ध्यान में आना चालू हुआ, जिस चीज का ध्यान बढ़ता चला गया उसकी चर्चा होना चालू हो गया, तो चर्चा के लिए वो माहौल ढूंढना चालू कर दिया, उस चर्चा से धीरे धीरे उस चीज की महिमा आने लग जाती है। और जिस व्यक्ति को जिस चीज की महिमा आने लग जाती है वो श्रद्धा वहीं लुटाता है। ये बात आप किसी के व्यवहार पे ले लो, खाने पे ले लो, पीने पे ले लो, संगत से ले लो, किसी भी रूप में ले लेना भाई, जिस व्यक्ति की जिस चीज की श्रद्धा बन गई वो वहीं लुटती है। इन करोड़ों लोगों की श्रद्धा किसी ने बनाई है, पूरी स्ट्रेटेजी से इंस्टॉल की है। अगर किसी की योजना का हिस्सा हुआ कि इस देश के लोगों को नशे में धकेलना है,
तो 30 लाख करोड़ की इंडस्ट्री नहीं बनती है नशे की इंडस्ट्री। सही तरीके से इंस्टॉल किया है, सारे उन लोगों को हायर किया गया है जो लोगों के आदर्श हैं, जो लोगों के आइडियल हैं, उनके थ्रू इंस्टॉल किया, जिनका वैक्यूम था जीवन में, जिनको थोड़ा भी अभाव था जीवन में, उनकी सेंसेस ने उन्हें ग्रहण किया, ज्ञान ने ग्रहण किया, ध्यान ने मजबूत किया, चर्चा ने संगत बढ़ाई और महिमा ने श्रद्धा को स्ट्रोंग कर दिया। श्रद्धा वहीं बहती है जहां पर इस व्यक्ति का ध्यान जा रहा है, तो श्रद्धा का स्वभाव है लुटना, इसलिए लुटती है। याद रखना, एक एक चीज को रिकॉल करते जाओ। पहले उत्प्रेरणा दी लोगों ने, उसके बाद श्रद्धा का गुण था बहना, इसलिए बहती चली गई। लेकिन रियल कारण ये जो था, इसके रहते हुए भी मैं और मुझ जैसे करोड़ों लोग इस नशे से अछूते कैसे रहे? कुछ तो जालिम होगा जिसने हमें बचाया होगा, करोड़ों लोगों को बचाया होगा। अभी भी इस देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो नशा नहीं कर रहे। अगर मैं 40-42 करोड़ के लिए कह रहा हूं जो नशा कर रहे हैं, इसका मतलब अभी भी कुछ लोग हैं। वो बचते कैसे हैं? जिस वक्त सेंसेज एक्टिव हो रही हो, जिस वक्त सेंसेज ग्रहण कर रही हो, जिस वक्त सेंसेज किसी का जीवन बना रही हो, उस वक्त गाने कौन से मिले थे? तो देखो, उस टाइम के गाने थे कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के, उस टाइम के गाने आज भी इफेक्ट कर रहे हैं। करोड़ों युवा पथभ्रष्ट हो जाते हैं भाई, फिर हम क्यों नहीं हुए? क्योंकि जिस वक्त हमारी सेंसेज बड़ी हो रही थी, ग्रहण कर रही थी, उस वक्त गाने ये नहीं मिले, हमें गाने वो मिले। धरती की शान, धरती की शान, तू है प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य, तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों का मुख भी तू मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। जब हम ग्रो कर रहे थे, हमारी सेंसेज ग्रो कर रही थी, जब ज्ञान ग्रो कर रहा था, तो हमारे ज्ञान में आया मनुष्य तू बड़ा महान है, तो भीतर से आठ उठी प्रेरणा, वहां से मिली जो रियल में आइडियल हैं, और वहां से प्रेरित होके भीतर के गुणगान अलग आए, वो गाने अलग हुए, वो संगत अलग हुई, और फिर संकल्प लिया, अब जाग उठे हैं हम, कुछ करके दिखा देंगे, ए माँ तेरे चरणों में आका झुका देंगे, अब जाग उठे हैं हम। हम भी ग्रो कर रहे थे, करोड़ों लोग ग्रो कर रहे थे, फर्क सिर्फ एक रहा, जो हम अछूते रह गए नशे से, उनके भीतर वो इंस्टॉल हुआ जो मनुष्य को महान बनाता है, और जो लोग समय के काबू में आ गए, उन्होंने वहां से प्रेरणा ली जो लोगों के लिए जीवन की बर्बादी का कारण बनते चले गए। अब आप और हमें ही सोचना है कि कुछ तो होगा जालिम इस दुनिया में जो इस चीज का तोड़ दे सकता है, कुछ तो होगा जो नशे को डिस्ट्रॉय कर सकता है, कुछ तो ऐसा बल होगा प्रकृति में जो कुछ ना कुछ ताकत देकर हमें इससे उठा सकता है, हमें वापस जिंदगी को सही संतुलन की तरफ लेके जा सकता है। मैंने जब रिसर्च किया तो सारी दुनिया में बड़े बड़े महान लोगों ने कहा, भाई एकांत में मत रहो, सही संगत करो, सही जगह ट्रिगर करो, सही जगह एसोसिएशन करो, चीज़ों को सही बनाने की कोशिश करो। इतना होने के बाद भी नहीं हुआ, इसका मतलब कोई मजबूत तरीका है, कोई शाश्वत काम है जिससे यह मिट सकता है। कुछ तो है प्रकृति में जिन्होंने घनघोर नशे में रहते हुए भी ऐसी ठोकर मारी, उस ठोकर के पीछे बल किस चीज का था, आज वो बल आपको देने आया हूं। वो बल है मेरे दोस्त आध्यात्मिकता का बल, वो बल है स्पिरिचुअलिटी का बल। जिस दिन व्यक्ति भीतर से आध्यात्मिक हो गया, मां कसम नशे की बेड़ियां टूटती है, वो भ्रम छूटते हैं, वो चीजें पीछे रहती है, लेकिन नशे को तोड़ने और इस चीज से छूटने के लिए आध्यात्मिकता की रियल परिभाषा को समझना होगा। किसे कहा जाता है आध्यात्मिक? आप समझते हैं कि संसार को छोड़ देना आध्यात्मिकता है, आप सोचते हैं नया चोला पहन लेना, पुराने कपड़े उतार देना, यह आध्यात्मिकता? नहीं, आध्यात्मिकता का रूट कोज बता रहा हूं,
मेरे महान गुरुओं की प्रेरणा से मैं आप तक ये संदेश पहुंचा रहा हूं, उनका एक इंसान आध्यात्मिक कब हो जाता है, तो कब हो जाता है उससे पहले वर्तमान को देखो। जितने लोग जीवन में नशा करते हैं, जितने लोग उस नशे के आदि हो चुके हैं, उनके जीवन का एक सिद्धांत होता है, उनका स्लोगन होता है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका मतलब वो ये कहते हैं ये जीवन चार ही दिन का है, अरे चार दिन का जीवन इसको जी ले रहे, चार दिन के जीवन में जितने मजे ले सकता है ले ले रहे, अरे जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी रे, पिक्चरें बन गई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मतलब जिस भी इंसान ने अपने आप को नशे में धकेला है उसके ज्ञान में ये परोसा गया है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फिर बदलता चला जाएगा जीवन और फिर लोग सोचते जाएंगे कि कितने लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं। जितने लोगों ने, जितने बच्चों ने सिगरेट चालू की होगी, माँ कसम किसी दोस्त ने कहा होगा चार दिन की चांदनी है जी ले रहे, अरे जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, अरे बार बार नहीं मिलता रहे, अरे कर जा रहे। इसका मतलब आध्यात्मिकता का सिद्धांत इसके अगेंस्ट में खड़ा है। इस पूरी चीजों के मजबूती से इंस्टॉल होने के बाद अगर कोई उड़ाना चाहता है तो एक ही तरीका है, आपको आध्यात्मिकता की सही परिभाषा जाननी होगी। आध्यात्मिकता की सही परिभाषा क्या है, एक व्यक्ति आध्यात्मिक कब हो जाता है, इतना सरल है, इतना ईजी है कि अगर परिभाषा को सही कर लिया तो जीवन का संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा, भीतर का कॉन्स्टिट्यूशन नई दिशाएं ले लेगा। किसे कहते हैं आध्यात्मिकता? एक इंसान अपने जीवन में जब वर्तमान जीवन को जीते हुए इस बात पे यकीन कर लेता है भूतकाल भी है और भविष्य काल भी आएगा, और जीने के तरीके में वो ये कहता है ये तीनों काल एक दूसरे से कनेक्ट हैं। दोबारा, जिस वक्त एक आदमी अपने वर्तमान को जीते हुए इस बात पे अटूट श्रद्धा रख लेता है कि मेरा भूतकाल का मेरे वर्तमान से संबंध है और मेरे वर्तमान का भविष्य से संबंध होगा, उस दिन बेड़ियां टूटती है, उस दिन नशे का परिणाम दिखने लगता है, उस दिन यह समझ में आता है कि अगर आज नशे की लत में हूं तो भूतकाल की उस घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध परिणाम है जिस वजह से नशे में आया हूं, और फिर उसे यह समझ में आता है कि वर्तमान का नशा अब मुझे आगे कहां तक लेकर जाएगा, उस गहरी खाई में लेकर जाएगा जहां परिवार लूटेगा, जहां लोग रोएंगे, जहां पे चीजें टूटेगी, जहां पे सपने बिखरेंगे, जहां पे सिर्फ अंधकार होगा। मेरे भाई, मैं जयपुर के सिद्धार्थ नगर जैन मंदिर के नल के ऊपर एक पर्ची देखा था जहां पे लिखा हुआ था एक जल की बूंद में 36,450 जीव होते हैं। अरे रे, जब भीतर से आपको ये पता होता है कि आपका हर वर्तमान की घटना भविष्य में परिणाम बनकर आएगी तो इफेक्ट करती है। एक जल की बूंद में 36,450 जीव, तो एक दारू की बूंद में कितने अनंत जीवों की हिंसा होने के बाद वो बनती होगी। एक सिगरेट बनाने के लिए, एक ड्रग्स बनाने के लिए कितनी चीजों को बर्बादी की तरफ लेके जाया जाता होगा, कितनी बड़ी योजना बनाई जाती होगी आपके जीवन को तबाह करने के लिए। मेरे भाई, आपका वर्तमान अकेला नहीं है, भूतकाल का पूरा योगदान था और भविष्य में इस वर्तमान का पूरा परिणाम आएगा। इस बात को समराइज कर देता हूं थोड़े शब्दों में, आपका भविष्य वर्तमान से गहरा संबंध रखता है। अभी के किए हुए कर्म रुलाएंगे, ये दर्द का रिश्ता जो निभा रहे हो ना आप इस दर्द के रिश्ते से अनंत जन्मों तक बिगाड़ने वाले हो। मेरे भाई, कर्म फिलोसोफी पे यकीन करो और आध्यात्मिकता का बीज अपने अंदर बोना शुरू करो। आध्यात्मिकता का बीज बोना शुरू करो, और वो बीज कैसे बोया जाता है आपको ये एहसास करना होगा कि मैं अभी जो कर रहा हूं उसका परिणाम निकट भविष्य में, अगले साल, दो साल, पांच साल, दस साल में मेरा शरीर मिट जाएगा, मेरी बुद्धि और मेरा विवेक छिन जाएगा, मेरे परिवार, मेरे लोग, मेरे जीवन की इस हसीन जिंदगी के सारे सपने तबाह हो जाएंगे। आपको और हमें ये करना ही होगा। मैं तो आपको इशारा कर रहा हूँ, मेरे भाई, वर्तमान और आपका भविष्य जुड़ा हुआ है, भूतकाल गुजर चुका है, वर्तमान का भविष्य से संबंध है। अपने भीतर आध्यात्मिकता का बीज प्रकट करो, छूटेगी दारू, छूटेगी सिगरेट, छूटेगा नशा, अंदर की ताकत और बल देगा। अब आप अगर मुझसे पूछते हैं कि जीवन की ऊर्जाएं और श्रद्धा कहीं तो बहती है तो फिर कहां बहाएं? मैंने अपने जीवन की सारी श्रद्धाएं वहां बहाई जहां से यम शुरू होते हैं, जहां से नियम शुरू होते हैं, जहां से आसन और प्राणायाम शुरू होते हैं, जहां से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शुरू होती है।
जब आपके यम आपके नियम अपने जीवन में उतरते हैं, जब आप आध्यात्मिकता के बीज को बोते हैं तो भीतर यम प्रकट होते हैं। वो यम क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये पांच यम हैं और पांच नियम हैं, सोच, संतोष, तपस, श्रद्धा और ईश्वर प्रणिधान। जब ऊर्जाएं यहां लगती है, मां कसम, इस स्वभाव का, इस श्रद्धा का गुण है बहना और लुटना। मैंने पहले ही बताया, नशे से छूट सकते हो भीतर आध्यात्मिकता का बीज प्रकट करके, और यम नियम से उठ सकते हो अपनी आध्यात्मिक चेतना को। मैं कहना यह चाहता हूं, मेरी ताकत आपके साथ है। अगर जीवन में नशे ने जकड़ा है मेरे भाई, ये वीडियो बार बार देखना, मेरे से कनेक्ट होना, इस कोर्स से कनेक्ट होना और भीतर की आहट को मुझसे मिलाना। छोड़ सकते हो, ऊर्जा को सही जगह बहाना है, श्रद्धा को सही जगह लुटाना है। आप उठ जाओगे, प्रकृति आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। जय हिंद, जय भारत।